हल्द्वानी में पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद बवाल इस स्तर तक पहुंच जाएगा। बगीचे से लेकर चारों तरफ और बाहरी गलियों संग घरों की छतों तक में उपद्रवी जुटे हुए थे। पुलिस कर्मियों संग नगर निगम के कर्मचारियों के घायल होने की संख्या लगातार बढ़ती रही थी, उसके बावजूद खाकी और नगर निगम के कर्मी डटे रहे। बुलडोजर को रोकने की हर संभव कोशिश नाकाम होती गई। आखिर में मदरसे और नमाज स्थल को नेस्तनाबूद कर दिया गया। सर वहाँ पे ऐसा हुआ था, 4 बजे करीब ना हम पहुंचे वहाँ पे, 3:30 बजे करीब हम पहुंचे। पहुंचने के बाद वहाँ पे पत्थर हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। आप क्या काम करते हो? हम निगम में हैं सर। हाँ जी हाँ, पुलिस कर्मचारी हैं, पूरा सेवा हुआ कर सब कुछ रहता है। वो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में सब में। हम पूरे हमारे 200 कर्मचारी थे पूरे। हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती है, कृष्णा हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है, इनको पता नहीं है मुझे खाली। बाकी सबके सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे दो, एक पहले यहाँ आई है और दो हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है, हर जगह लगी है। आप मेरा विशाल कुमार सर।